असलकुम स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर ट्वेल्व आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था इनजेक्ट प्रिंटर्स आज हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पेज नंबर नाइन सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं फ्लक्स का, मतलब है, है, है? का, है. का मतलब क्या है फ्लक्स कहते हैं जी फ्लो को कहते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज का हमारा टॉपिक है फ़्लक्स का मतलब क्या है फ्लो है यानी कि जैसे कि हवा चल रही है एक खिड़की है जिसमें से हवा अंदर आ रही है हम क्या कहते हैं कि ये हवा का क्या है एयर का क्या है फ्लो है एयर का क्या है फ्लक्स है हम उसे फ्लक्स भी कह सकते हैं ठीक है फ्लक्स का मतलब क्या है फ्लो ठीक है इसमें बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फ्लो ही स्टडी करना है जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं फ्लक्स का मतलब इस टाइम फ्लो है हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास आउट हो ऐसे सरफेस एरिया में से जो कि परपेंडिकुलर हो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है जिसको डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं ग्रिकलेटर से जिससे हम कहते हैं फाई फाई से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक है तो इस वजह से साथ फाई के साथ क्या आएगा स्मॉल ई e. तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं फाई ई से मैथमेटिकली अगर हम इसके मैथमेटिकली फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है यानी कि फाई ई इक्वल है ई डॉट ए ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके एरिया का डॉट प्रोडक्ट है ठीक है किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके एरिया का डॉट प्रोडक्ट है तो अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल है ई ए कोस थीटा जब भी डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं तो कोस थीटा आता है तो उस वजह से क्या आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल है ई ए कोस थीटा ठीक है अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास वो क्या है एक स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है स्केलर प्रोडक्ट है इसका और इसको हम कहते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी में आता है स्केलर क्वांटिटी में आता है और इसका जो यूनिट है इसका ऐसे यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्केर पर कूलम पर कूलम ठीक है इसका यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम इसी तरह अगर हम इसकी बुक में से रीडिंग करिए इस टॉपिक में से आपने सिर्फ मेन चीज़ें यही करनी है इसकी डेफिनेशन हम इसको किससे डिनोट करते हैं इसका मैथमेटिकली फॉर्म इसकी नेचर इसको हम नेचर कह सकते हैं कि इसकी ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है ये इसकी नेचर है ठीक है और इसका यूनिट क्या है इसका यूनिट हमारे पास क्या है? इट्स ऐसे यूनिट इस न्यूटन मीटर स्केर पर कूलम। ये आपने शॉर्ट में इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को रेडी करना है इसे जैसे मैंने डेफिनेशन इसकी डोनेशन कैसे इसको डोनेट करते हैं इसकी मैथेमेटिकली फॉर्म इसकी नेचर और इसका यूनिट अगर हम बुक में से अब इसकी एग्जाम्पल्स ले लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन करनी है एग्ज़ैम्पल के थ्रू जैसे हमारे पास दो सरफेस एरियाज हैं एक ए है और एक बी है जिनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं अब हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ए में से ज़्यादा पास आउट हुई हैं एज कम्पेयर टू बी जो ए में से पास आउट हुई हैं कितनी लाइन्स पास आउट हो रही हैं जो ए में से हो रही हैं वन टू थ्री फोर और बी में से कितनी हो रही हैं वन टू तो हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे देखें उन्होंने क्या कहा फिगर में इस फोर वाइल फ्लक्स थ्रू बी इज़ टू जो ए में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास पास आउट हुआ है वो कितनी है फोर और जो बी में से हुआ है वो क्या है टू हुआ है ठीक है जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स में देखें अगर हम कोई सरफेस एरिया उसके ऊपर पेंडिकुलर रख रहे हैं तो पेंडिकुलर जब होगा तो उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास आउट होता है जब पैरेलल होगा तो मिनिमम और जब डॉट प्रोडक्ट में होगा जब हमने उसके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लाइंस रखी हुई है जिसमें से ए, एंगल के थ्रू हमारा पास आउट हो रहा है तो उस टाइम हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल है ई ए कोस टीटा यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट होगा जब हमने सरफेस एरिया को उसके परपेंडिकुलर रखा तो उसमें से कितनी लाइन्स पास आउट हो रही हैं मैक्सिमम लाइन्स पास आउट हो रही हैं जब हमने उसके पैरेलल रखा तो मिनिमम जैसे कि अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए हमने इसके साथ ये दो लाइंस ऐसे शो करवा दी हैं जब परपेंडिकुलर होगा तो ये इसको हम इस फॉर्म में डोनेट करेंगे ये लाइन हमारा शो करती है कि जो सरफेस एरिया हमारा उसका क्या है परपेंडिकुलर है उसके फ्लक्स के उसके लाइंस के तो जब परपेंडिकुलर होगा तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल है ई ए और साथ परपेंडिकुलर का साइन अगर पैरेलल है तो उसकी दो लाइंस पैरेलल आ जाएंगी वेयर ए डिनोट्स नोट द एरिया ये लाइन हमें क्या डोनेट करती है कि ये इसके परपेंडिकुलर है जब पैरेलल होगा जब परपेंडिकुलर होगा तो हम उसके लिए ये साइन शो करेंगे ये लाइन जब पैरेलल होगा तो ये शो करेंगे अगर हम उसके पैरेलल रख रहे हैं तो पैरेलल में मिनिमम ट्रांसफ़र होगा तो मिनिमम में जब होगा तो वो उसका फ्लक्स क्या होगा उस टाइम जीरो होगा उसको हम इन लाइन से डोनेट करेंगे ये लाइन्स डोनेट करती है हमारे पास क्या साइन शो करते हैं कि ये इस टाइम पर ज़ीरो है ठीक है जब उसके ऊपर पेंडिकुलर होगा जब हम उसका प्रोडक्ट फॉर्म निकालेंगे ई ए कोस टीटा कोस टीटा अगर हम इस मैक्सिमम एट जीरो अगर हम कोस टीटा मैक्सिमम है तो इस टाइम कोस की वैल्यू जीरो कोस जीरो वन होता है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ई ए को वन से मल्टीप्लाई कराएं तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वही हमारे पास आएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आ जा आ जाएगा ई डॉट ए वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइन एंड द नॉर्मल टू द एरिया और थीटा क्या हमारा इन दोनों के दरम्यान में एंगल है ठीक है जब पैरेलल होगा जब परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम जब पैरेलल होगा तो मिनिमम और जब डॉट प्रोडक्ट उसका लेंगे तो उस दौरान भी जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा क्योंकि कॉस ज़ीरो हमारे पास वन होता है ठीक है जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ई ए, ए ही हमारे पास वापस आएगा थीटा जो है वो उस एंगल को शो करेगा और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास वो क्या है स्केलर प्रोडक्ट है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम ठीक है इसमें से आपने वही चीज़ें तैयार करनी है जो मैंने आपको बताई हैं इसकी डेफिनेशन इसको कैसे डोनेट करते हैं इसकी मैथमेटिकली फॉर्म इसकी नेचर और इसका यूनिट और एक दो इसमें से एग्जांपल आप देख लें कि अगर मैक्सिमम होगा तो क्या होगा मिनिमम होता है तो क्या होगा ठीक है ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ सर्फेस एरिया एंड क्लोजिंग का चार्ज इसको स्टडी करना है साथ पेज नंबर टेन और इलेवन यहाँ तक आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है